वेलकम एवरीवन आपण मानुको स्वागत साइकोलॉजी रे एबे आमे एठारे साइकोलॉजी को अध्ययन करिबा स्टार्ट करिबा जहा को आमे एजुकेशनल साइकोलॉजी कहि परिबा पेडागोजी मध्ये कहि परिबा ओडिसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पई आमको बहुत किछि पढिया पई पडिबो बहुत सारा टॉपिक को कंप्लीट करबा को पडिबो सबटु प्रथमे आमे स्टार्ट करिबा एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी पढ़िया पई आपण को बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगिबो ओ मजा मध्ये लगिबो। एहाकु पढ़िया पारे आपण माने भलो फील करिवे बहुत किछि जानिबे बोधे पूर्वरु आपण माने से सब को जानि नथिबे। सबुट प्रथमे आपण जानिबा दरकार केउठारु मु एसबु को पढ़िबी। फास्ट ऑफ ऑल मु एजुकेशनल साइकोलॉजी रो सबु वीडियो को प्रोवाइड करिबी आपण माननकु। प्रथम सोर्स ऑफ नॉलेज तो आपण माने मो वीडियो रु पाई जिवे जेतिकि कंटेंट मो वीडियो रे मु सारिबी। सर्वप्रथमे मु आशा करूछि रिक्वेस्ट करूछि कि आपण माने गोटे नोट बनेई देबे बिकॉज आपण माने जेते बेले रिविजन करिवे बारंबार आपण माननकु मो वीडियो देखिबाकु पड़िबो नाही। आपणक नोट आपणक बहुत हेल्प करिवो। आकु छाड़ी देले किछि छोट छोट नोट मु प्रोवाइड करिबी जदि आवश्यक पड़े आपण माननकु। जदि मु फील करिबी जे आपण माने नोट बाहरु कोठु कलेक्शन करि परिबे नाही कि पाई परिबे नाही ताहाले आपणंकु मु ब्रीफ नोट प्रोवाइड करिबी। आकु छाड़ी देले बहुत सारा टॉपिक जहाकु मु पढ़ेबी ताहा सह एनसीईआरटी 11th 12th क्लास बुक को आपण माने रिवाइज मध्ये करि परिबे। फॉर बेटर अंडरस्टैंड एनसीईआरटी रो साइकोलॉजी रो बुक मध्ये आसुछि यह अधिक पॉपुलर नुहे मार्केट रे मिलुछि यह अधिक लोक जानि नथिबे। एही बुक गुड़िक आपण किणि परिबे नहले एनसीईआरटी रो ऑफिशियल साइट रे प्रोवाइड होउछि फ्रीली बट आपणक पाखरे बुक रहिबा निहाती दरकार अछि। आमर वीडियो आपणकर मुख्य सोर्स अटे यह तो आमर थियोरी सेक्शन आ बाकी रहला क्वेश्चन सेक्शन जहार वार्कशीट मु आपणंकु प्रोवाइड करिबी बोथ इंग्लिश एंड ओडिया लैंग्वेज रे। जदि मु किछि छाड़ी दिए आपण माने गूगल रे सर्च करिकि मध्य पढ़ी परिबे बट मु किछि छाड़िबिनि सबु सारिबी। मु फुल वीडियो रे एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्य छाड़िबी ओ सिलेक्टेड क्वेश्चन मध्य छाड़िबी मो यूट्यूब चैनल लिंक रे। फास्ट तो आमे फुल कोर्स को कवर करिबा देन क्वेश्चन करिबा शेषरे बहुत टॉप क्वेश्चन आसीबो मो टेस्ट सीरीज रे जहाकु मु प्रोवाइड करिबी। सेथिरु किछि क्वेश्चन मो नॉर्मल टेस्ट रे मध्य देखि परिबे। टॉप क्वेश्चन आपणंकु एथि पई दरकार जहाकि आपण निजर टॉप लेवल को चेक करि परिबे। ए सबु आपणंकर सोर्स जोथुरु आपण पढ़िबे तेबे आमे स्टार्ट करिबा एजुकेशनल साइकोलॉजी। एही एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट आसीछि साइकोलॉजी रु जेहेतु एहा साइकोलॉजी रु बाहरि के आसीछि सेति पई आमे प्रथमे साइकोलॉजी कोन जानिबा तापरे एजुकेशनल साइकोलॉजी कोन जानिबा। सबुटु प्रथमे आमे जानिबा एक्चुअली साइकोलॉजी रो डेफिनेशन कोन संज्ञा कोन बोधे आपणंकु जणा अछि दुनिया रे अतीत रे केवल गोटे सब्जेक्ट थिला ओ तार नाम होउछि फिलोसोफी। सबु सब्जेक्ट से फिलोसोफी रु भांगी की बाहरिछि। एग्जांपल नबा मैथ रो से फिलोसोफी रु बाहरिछि आ गोटे एग्जांपल नबा साइंस से मध्य फिलोसोफी रु बाहरिछि। आपण माने
जिते लांगुएज एग्जाम्पल नहींपरिवे से सब फिलोसफी बाहर की आसी सेमिति साइकोलोजी फिलोसफी बाहर की आसी साइकोलोजी गोटे ओल्ड नेम अच्छी जहाँकि साइकोलोजी वार्ड रु ही बाहरी ताकि साइकी प्लस लोगस इज इक्वल टू सोल प्लस स्टडी साइकी माने हेउची सोल आत्मा जहाँको आम आत्मा कहूचे और लोगस रो माने हेउची स्टडी बा अध्ययन ताहले साइकोलोजी रो सबुठु पुरुणा संज्ञा हेउची द स्टडी ऑफ सोल एही जो सोल रो माने हेउची आम मनरे कौन चली सबुठु प्रथमे जेते बेले साइकोलोजी रो रिसर्च स्टार्ट हेला लोक माने भाविले अन्य मानंग मनरे कौन चली बा अन्य माने कौन भावुछंती तार स्टडी को साइकोलोजी कहा जाए यह हेउची साइकोलोजी रो सबुठु पुरुणा डेफिनेशन किंतु एथिरे गोटे प्रॉब्लम रहिगला जे आमे केमिति जानिबू अन्यर मनरे कौन चली इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस आमे तो भगवान नुहे ना किछि लोक माने क्वेश्चन उठाइले आमे सोल रो स्टडी करिवानी आमे बिहेवियर रो स्टडी करिबा से लोक माने एमिति काही कहले काही कि ना आमे कौनसी लोकर मनरे कौन चली जानिबा नहीं जानि पारिबा भी नहीं तार बिहेवियर को स्टडी करिबा पर ही जानिबा मनरे कौन चली से ता मन अनुसार व्यवहार करदी आम बिहेवियर को जानिबा ताहले तार मनरे कौन चली आमे मध्यम जानिपरिबा एटा पूरा ठीक कथा से फेमस हो गला बिहेवियर साइकोलोजी डेफिनेशन बदली गला सेकेंड डेफिनेशन आसीगला स्टडी ऑफ बिहेवियर फर्स्ट डेफिनेशन थिला स्टडी ऑफ सोल एवं सेकेंड डेफिनेशन हो गला स्टडी ऑफ बिहेवियर तापर आउपर आहुरी अधिक रिसर्च करा गला जे लोक माने भाविले आमे स्टडी करूचे सोल को सेथिपाई स्टडी गले बिहेवियर को जनक मनरे कौन चली व्यवहार देखिले जानी हुए बट ता मनरे जहाँ चली कारण कौन ताहे केमी जानबू कहीं मनरे सेमती चली तार मनर पूर्व अवस्था को आम केमी पढ़ीपर तार मनरे चली कारण को आम जाणी किभली पचर कारण कौन यू आसला थर्ड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी का मनरे कौन चली व्यवहार रु आम जाणी बट ता मनरे कहीं चली तार पास्ट एक्सपीरियंस कथा जानिले आम जापर से लोक कहीं एमती भावुची थर्ड डेफिनेशन हेउची साइकोलॉजी स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस आम स्टडी करिबा पास्ट एक्सपीरियंस को सेथिरु आमे जानिबा से लोक एमती कहीं भावुची जदि क्वेश्चन आसीबो डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी तीनोटी अच्छे स्टडी ऑफ सोल एबे सोल नहीं सोल कटिकी माइंड हो थिंकिंग प्रोसेस हो ताहले फर्स्ट डेफिनेशन हो स्टडी ऑफ सोल और माइंड और थिंकिंग प्रोसेस सेकेंड डेफिनेशन हो बिहेवियर रो स्टडी अर्थात स्टडी ऑफ बिहेवियर एवं थर्ड डेफिनेशन हो पास्ट एक्सपीरियंसेस रो स्टडी अर्थात स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस जदि क्वेश्चन आसीबो साइकोलॉजी रो डेफिनेशन फर्स्ट ऑप्शन थिबो स्टडी ऑफ माइंड सेकेंड ऑप्शन थिबो स्टडी ऑफ बिहेवियर थर्ड ऑप्शन थिबो स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस और फोर्थ ऑप्शन थिबो ऑल ऑफ द अबव ताहले आपण माने चूज करिवे ऑल ऑफ दिस किंतु इम्पोर्टेंट एज जदि ऑल ऑफ दिस ऑप्शन रे नथिबो तार आंसर कौन हेबो आपण मानक आंसर हेबो फर्स्ट डेफिनेशन जहाँकि
ପୁରା ପୁରୁଣା ଡେଫିନେସନ୍, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ଏଠି ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ ଏହା ଯେ ସାଇକୋଲୋଜି ସବଜେକ୍ଟ ଫିଲୋସଫିରୁ ବାହାରିଛି। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆ ଭଳି ସାଇକୋଲୋଜିରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛି। ଆର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସୋଲ। ବଟ୍ ସୋଲ ଷ୍ଟଡି ଆମେ କିଭଳି କରିବା, ବିହେଭିଅରରୁ, ବିହେଭିଅରରୁ ଆମେ ଜାଣିବା କା ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ମନରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାହା କାହିଁକି ଚାଲିଛି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ହେବ ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ, ପୁରୁଣା ଅନୁଭୂତିକୁ। ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସୁଛି ସାଇକୋଲୋଜିରେ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର ଆସୁଛି ସାଇକୋଲୋଜିରେ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ସୋଲ, ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ସାଇକୋଲୋଜିର ଡେଫିନେସନ୍ରେ। ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ସାଇକୋଲୋଜିର ବେସିକ୍ ଡେଫିନେସନ୍। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାଇକୋଲୋଜିର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ସାଇକୋଲୋଜି କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ସାଇକୋଲୋଜିର କ'ଣ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଓ କେବେ ହୋଇଛି, ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜି କ'ଣ, ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜିରେ କେବେ କିଏ କ'ଣ କାମ କରିଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଓ ଏହାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜିର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।